thank you चालू किया ना रिकॉर्डिंग हम खुद भी करते हैं और अपने पेशेंट्स को भी कराते हैं जी हाँ धूमपान जैसे कि आप अभी इस वीडियो के क्लिप में देख रहे होंगे इनको 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 और इनके जैसे हम बहुत सारे लोगों को हमने ये धूमपान कराया आप बोलेंगे डॉक्टर आप भी चालू हो गए हम तो जब भी मूवी देखने जाते हैं तो बोलते हैं कि धूम्रपान करना सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है ये आपको बीमार और बहुत बीमार कर सकता है और आप बोल रहे हो कि खुद ही ये पीना चाहिए जी हाँ इसको बोलते हैं धूमपान और ये कमाल की चिकित्सा आयुर्वेद में जो कि कफ के रोगों में तो एकदम मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मान सकते हैं तो ये धूमपान किस किस को करना चाहिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जानेंगे आज इस वीडियो में कमाल की चिकित्सा है आयुर्वेद में और इसके बारे में सुश्रुत ऋषि कहते हैं कि नरोधूमोपयोग प्रसन्न इंद्रिय मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं जैसे कि आपकी आँख है नाक है मुँह है कान है या माउथ है ये जो सारी चीज़ें हैं धूमपान करने से ये अच्छे हो जाते हैं और इसका बहुत ही खास क्या क्या धूमपान करने के बेनिफिट्स हैं उसके फायदे बताए हैं अष्टांग जो संग्रह नाम का ग्रंथ है उसमें वाघबट जी ने वाघबट जी सबसे पहला फायदा धूमपान का बोलते हैं कि शिरहशूल आप में से ऐसे लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है ऐसे टाइम पे धूमपान करना बहुत ही फायदेमंद है स्पेशली ऐसे लोग जिनको कफ़ बहुत ज़्यादा हुआ रहता है कफ के कारण ब्लॉकेज रहता है कफ के कारण सिर भारी रहता है उनको आयुर्वेद की चिकित्सा में हम धूमपान कराते हैं या जिन जिन पेशेंट्स को कफ एक्स्ट्रा होने के कारण जब भी हम वमन कराते हैं तो वमन होने के बाद कफ निकल जाता है पर जो भी बची कुची मात्रा में कफ गले में मुंह में नाक में जहाँ पे या फेफड़ों में जो चिपका हुआ कफ़ रहता है उसको निकालने के लिए फिर हम धूमपान देते हैं अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें एक आर्मी के पेशेंट थे उनका फीडबैक लिया था तो उनका धूमपान करते हुए हमने दिखाया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यार ये तो सुट्टा मार रहे सुट्टा क्यों मारने दे रहे हो तो वो धूमपान कफ जो भी एक्स्ट्रा चिपका हुआ कहीं भी कफ है सिस्टम में जिसके कारण आपको सुनने में तकलीफ आ रही है नाक बॉल ब्लॉक होता है पॉलिप्स बार बार होता है ऐसे में फायदेमंद है सेकंड फायदा वाकबर जी बोलते हैं एक तो सिरदर्द दूसरा बोलते हैं अक्षीशुल आंखों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है खास करके एक्स्ट्रा कफ बढ़ने के कारण जिन लोगों को मोतिया होता है या जिन लोगों को जब जब कफ बढ़ जाता है तो आंखों में धुंधलापन दिखने लग जाता है और आँखों में दर्द होता है या प्रेशर जिनको बोलते हैं ना आंख का प्रेशर बढ़ गया है ऐसे सारे लोगों के लिए धूमपान बोला है इसके बारे में तो आयुर्वेद में कमाल की चिकित्सा ये बोली है कि ऐसे बोला है जो पित्त होता है अब पित्त के पांच टाइप होते हैं उसमें से एक होता है आलोचक पित्त आलोचक पित्त मतलब जिससे हम देखते हैं ठीक तो ये आलोचक पित्त को खतरा किससे होता है कफ से तो जब जब आपकी आंखों में कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका विजन खराब होने लग जाएगा तो ऐसे में उस पित्त को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद में बोला है डेली अंजन करने ठीक उसी में धूमपान भी एक चिकित्सा अगर करते हैं तो आंखों का दर्द उससे कम हो जाता है आगे आगे भागवत जी फायदा बताते हुए बोलते हैं कर्णशूल जिन लोगों को कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा साइनसेज होते हैं बहुत ज़्यादा कफ होता है और फिर कान में भी दर्द हो जाता है तो उसमें फ़ायदेमंद है अभिषन्धि आंखों में बहुत ज़्यादा भारीपन आंखों से बहुत ज़्यादा कीचड़ निकलना बहुत ज़्यादा आंखों से पानी निकलते रहना या सिर में जिनको बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगता है ऑल द टाइम सिर में भारीपन लगा हुआ रहता है कुछ भी दूध उध पनीर मीठा ऐसे कुछ आइटम खा लिए तो जिनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ऐसे सारे लोगों के लिए आयुर्वेद में धूमपान फायदेमंद बोला है फिर कुछ और फ़ायदे फिर और कुछ फायदे वो जी बोलते हैं जैसे कि अर्धाओ भेदक पीनस का श्वास अर्धाओ भेदक मतलब जिनको आधा सिर का आधा हिस्सा जो पेन करता है तो माइग्रेन के बहुत सारे टाइप्स है बट जिनको कफ के कारण कि सर्दी हो गई दूध पी लिया दही खा लिया मीठा खा लिया या ठंडी के मौसम में रहे तो सिर दर्द होता है इसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा ब्रीथिंग रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है अभी हमारे जैसे एक यूपी के एक मौर्य करके पेशेंट है तो उनकी एज सिक्सटी प्लस है उनको बहुत समय से श्वास की तकलीफ है तो उनको मैंने कुछ दिन दो महीने पहले धूमपान करने के लिए जो आयुर्वेदिक स्टिक्स होती हैं उनका धूमपान बोला था क्योंकि लंग्स जो आपका है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की भी, बीमारियां हैं स्पेशली ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होना ठीक या खास करके जिनको श्वास लेने में तकलीफ होती है कफ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है खाना खाते हैं तो पेट में बहुत भारी बन लगता है और बार बार कफ बनता है तो ऐसे में धूमपान से क्या होता है जो मेडिसिन होती हैं वो आग और हवा के थ्रू मतलब वो धुएं के थ्रू वो लंग्स में जाती है और उसको निकालने का काम करती है उस कफ को कम करने का काम करती है तो श्वास कास जिनको बहुत खांसी आती है कफ़ निकलता है धूमपान फ़ायदेमंद है जिनके मुंह का स्वाद हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है जो लोग बोलते हैं कि मुंह में हमेशा ऐसे लगता है बहुत सलाइवा बन रहा है बार बार थूकना पड़ता है या जीप के ऊपर एक लेयर सी बनी हुई है मुंह के ऊपर एक लेयर सी बनी हुई है कई लोग ऐसे बोलते हैं ना खाने का टेस्ट ही नहीं आता है मुंह का स्वाद हमेशा गंदा सा रहता है मीठा सा रहता है उन सारे लोगों के लिए आयुर्वेद में धूमपान चिकित्सा करना फायदेमंद बोला गया है फिर एक और फायदा धूमपान का बोला है कि जिनका गला बहुत ज़्यादा बार बार खराब होता है स्पेशली कफ के कारण जिनका गला या बहुत ज़्यादा बोल के तो वात और कफ़ रिलेटेड अगर आपको गले से कोई भी तकलीफ है कि बहुत ज़्यादा थूकना पड़ता है इसलिए बार बार गला बैठ जाता है थोड़ा ऐसे <coughs> कर कर के हमको कफ़ निकालना पड़ता है उन सारे लोगों के लिए और बाघ भट्ट जी बोलते हैं मुंह से रिलेटेड कोई भी बीमारी है दांतों की बीमारी है या फिर जो आपके मसूड़े होते हैं उनकी बीमारियां हैं टंग जीभ रिलेटेड बीमारी है कई लोगों को जीभ में जो जिन लोगों को टंग में जो कैंसर होता है होठों में कैंसर होता है ठीक है तो जिनको माउथ रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है स्पेशली कफ से रिलेटेड कि यहाँ पे गांठ बनने लग गई है वहां पे फोड़ी होने लग गई है बहुत थूक निकल रहा है या उस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है कि मुंह बहुत ही ज़्यादा ऐसे है। बोलते हैं ना दांतों के ऊपर एक लेयर वेयर आ गई है उन सारी की सारी बीमारियों में धूमपान फायदेमंद है फिर वाघबट जी एक और फायदा बताते हुए है। बोलते हैं अरुची जिनको खाने में इंटरेस्ट नहीं आता खाने में मज़ा नहीं आता खाना देख के ऐसे लगता है कि नहीं यार नहीं चाहिए उनके लिए फायदेमंद है जिनको ये ये जो ज्वाइंट है हनु बोलते हैं ये जॉइंट के कारण ही हनुमान ऐसा नाम पड़ा था ब, भगवान हनुमान जी का तो यहाँ से रिलेटेड जिनको तकलीफ़ है जिनको एक एक बीमारी है जिसमें ये स्टिफ हो जाता है अनुग्रह वैसे जिसका ये हो जाता है ना दांत वांत पूरे ऐसे जो जॉ है वो पूरा ऐसा लॉक हो जाता है और जो लोग बोलते हैं कि हमें इस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है ये साइड में बहुत पेन होता है या ये साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है मुँह बार बार लॉक हो जाता है अकड़ जाता है ठंडी वंडी थोड़ी भी लगी तो उन सभी लोगों के लिए भी आयुर्वेद में धूमपान यूज करने के लिए बोला है और भी ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जैसे कि कृमि रोग जिनको बार बार वॉम्स इन्फेक्शन होते हैं ठीक है ठीके? बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहता है मुंह में बार बार जिनको इन्फेक्शंस होते रहता है ऐसे लोगों के लिए धूमपान बहुत अच्छा फायदेमंद है केश रोग केश रोग में जिनको कफ़ के कारण मतलब बहुत बार बार डैंड्रफ होता है जिनको गीला डैंड्रफ होने की तकलीफ होती रहती है सेबोरिक डर्माटाइटिस जैसी बीमारियां होती है जो ऐसे अगर आप सिर पे से हाथ डालते हो तो आपको पूरा नाखून में भरा हुआ दिखता है कई बार इतना डैंड्रफ होता है कि आप मतलब परेशान हो जाते हो स्केल भी निकलते हैं डैंड्रफ भी निकलता है तो इन तरीके की जो भी बीमारियाँ हैं और उसके कारण अगर आपके बाल जो है झड़ने लग गए हैं बाल आपके गिरने लग गए हैं तो उन सारी कंडीशंस में ये फ़ायदेमंद है धूमपान करना और भी कुछ कंडीशन है जैसे वो बोलते हैं खुजली जिन लोग को बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के लिए कफ डोमिनेंट जिनको मतलब कि दूध उध पी लिया और खुजली बहुत हो जाती है तो धूमपान फ़ायदेमंद रहेगा जिनको छींक बिल्कुल भी नहीं आती है तो देखो लकड़ी लेके ऐसे ऐसे करते रहते हैं छींक आने के लिए और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा छींक आती है कि मतलब छींक छींक के जिनकी हालत ख़राब हो जाती है उन सभी लोगों के लिए धूमपान करना आयुर्वेद में बताया गया है और तीन चार फायदे हैं जिनको बोलते हैं तंद्रा आलस बहुत आता है ऐसे दिन भर डले रहते हैं मुंह फाड़ते रहते हैं निद्रा जिनको बहुत ज़्यादा आती है या यहाँ के ऊपर इसके जो भी कफ और वात रिलेटेड बीमारियाँ हैं उसमें धूमपान करना ही चाहिए ऐसे ग्यारह से ज़्यादा टाइम्स बोले हैं कि रात के समय पर या फिर वमन ये सब करने के बाद या कफ वात की जो जो कंडीशन है उसमें धूमपान करना चाहिए क्या फ़ायदा होगा ये बीमारियां तो ठीक होंगी ही धूमपान करने से वो कुछ फायदे बताते हैं जैसे बोलते हैं आपकी इंद्रियां अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली होता क्या है धूमपान में हम क्या कर रहे हैं मेडिसिन ले रहे हैं उनको जला रहे हैं और आग फायर एलिमेंट को फायर और एयर एलिमेंट को यूज़ करके उन दवाइयों को एकदम डीप से डीप सेल तक डालने का काम कर रहे हैं तो जो भी आपकी इंद्रियां हैं सपोज़ कि अभी यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ़ हो जाएगा क्या हो जाएगा ये ब्लॉक हो जाएगा आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी या अगर यहाँ पे वात बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा नाक से एकदम पतला पानी गिरते रहेगा मतलब ये जो लोकल इंद्रिय है वो आपके अच्छे से काम नहीं करेगी धूमपान से क्या होगा वहाँ का वात तो और कफ़ कम हो जाएगा तो ये आप अच्छे से प्रॉपर ब्रीथ कर पाओगे सेम कान के बारे में या मुंह के बारे में कि बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रहा है बार बार थूकना पड़ेगा खाने में मज़ा नहीं आएगा धूमपान करने से वो कफ कंट्रोल हो जाएगा तो आप में उसको अच्छा लगेगा तो उन्होंने ऐसे बोला है जो भी वहाँ की इंद्रियाँ हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि वहाँ का वात कफ कंट्रोल हो जाता है और एक फ़ायदा बताया है कि वहाँ के जो भी लोकलाइज्ड इंद्रिया या सिस्टम है उनको बल मिलता है या उनको स्ट्रेंथ मिलता है क्योंकि हम दवाइयाँ भी ऐसे यूज़ करते हैं कि जो कि वायु और कफ को कम करने का काम करें तो इतने सारे बेनिफिट्स आयुर्वेद में बताए गए हैं और कफ वात से रिलेटेड बाकी जो कोई भी और भी कंडीशन आए उन सब में आयुर्वेद में बोला है धूमपान करने के लिए ध्यान रखिए ये वाला धूमपान कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट हुक्का ये सब हम नहीं कर रहे हैं इसमें जो भी आयुर्वेद की हर्ब्स होती हैं उन मेडिसिंस को आयुर्वेदिक ही जो पत्ते होते हैं उसमें लपेट के वो पिलाया जाता है ताकि वहाँ का लोकलाइज तकलीफ़ ठीक हो सके उन सारी कंडीशंस में धूमपान बोला है इसलिए ये कर रहे थे बाकी राय इनिशियली पीने वाली बात तो कफ जैसे कि अगर मुझे भी गले में और नाक में अगर कफ लगेगा तो उस टाइम पे हम भी धूमपान करेंगे पर ये धूमपान कंडीशनल है मतलब केवल बीमारी ठीक होने तक बोला है ना कि रोज़ सुबह उठ के सुट्टा मारना तो ये तो था धूमपान के बारे में जो कि आप में से कई सारे लोग आ, डाउट पूछ रहे थे कि भाई सुट्टा क्यों पिलाया वमन के बाद तो कफ वात को ठीक करने के लिए किराया जाता है तो धूमपान से रिलेटेड अब आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आपके कमेंट के हिसाब से ही अगर और भी वीडियोस आपको चाहिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस तरह की वीडियोस लाकर हम और आपकी जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करेंगे तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहे